बारह बजे से लगातार बढ़ती हुई
और बिल्कुल आज ना खाने का ना पीने का कोई होश नहीं है। कई लोगों के पास चले गए बेचारे से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पूरा ध्यान उसी पर क्योंकि गोलू की टीम ने आशीष सेलू भैया, भरत पांडे जी, गेंदा भैया, अज्जू भाई, बड़े वो भी जितने हैं उनके कमिटी के टीम के साथ में भी शत्रुघ्न सभी के अथाह प्रयास से इतना शानदार और जानदार भोपाल के अंदर एक दंगल होता हुआ और अपने समापन की तरफ बढ़ता हुआ धीरे धीरे ये एक अपने अपने इतिहास है कि पब्लिक घटी नहीं लगातार बढ़ती गई और पहलवान आज जंगल में हर एक कुश्ती का लगभग 95% अभी तक तो सबका फैसला हुआ है। ये अपने आप में अलग ही गोलू भाई आप चिंता न करें, लोग नमाज का वक्त हो गया था, अब अल्लाह करने गए थे, अब आप सोचिए अल्लाह बल्ला कितना होगा। पब्लिक आ रही है बराबर, दोनों पहलवानों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कुश्ती लड़ी जा रही है, इस कुश्ती का आप लोग अब अगली कुश्ती के लिए मैं बुला रहा हूँ मनीष सोमदार मध्य प्रदेश पुलिस ऑल इंडिया जावेद पहलवान सहारनपुर यूपी। दोनों का शानदार मुकाबला और ये मत में लगे, लेकिन अफसोस अगर ये पॉइंट की होती तो स्कोर बन जाता है, लेकिन ये दंगल है। आपको पूरा दाव अखाड़ी में अंदर ही लगाना है पहलवान जी। आज शाम को ध्यान गोल्डन जी की तरफ से आज अपील है, शाम को कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है, सभी तमाम दर्शकों से अपील है कि वो आज शाम को कव्वाली में सम्मिलित हो और कव्वाली का आनंद लें। सिकंदरनगर बनाओ बाल विहार पर एक अजीम शान कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है। भोपाल उत्तर विधायक आरिफ अकील साहब का जिस सिकंदरिया सराय में ऑफिस है उसी ऑफिस में एक बहुत शानदार कव्वाली का भी प्रोग्राम रखा गया है। सभी हजरात से गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर कव्वाली का लुत्फ उठाए। हम शुक्रगुजार हैं फ्रेंड्स क्लब के विक्की सरकारी जी का, विद्युत का मिनट दो मिनट चलिए ठीक है, दो कम से कम हमें तो बता दें। अशीष चरण जी दो मिनट